नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। इस हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए पीएम की चुप्पी पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, मणिपुर जल रहा है। यूरोपियन संसद ने भी भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा की, पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। राफेल ने पीएम को बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। राहुल के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। स्मृति ने राहुल को राजवंश का हरा हुआ व्यक्ति बताया। ईरानी लिखती है, एक व्यक्ति जो भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है, जब हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो राजवंश का वो हरा हुआ व्यक्ति भारत का मजाक उड़ाता है। लोगों ने उसे खारिज कर दिया है। स्मृति के बयान पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा, स्मृति जी पीएम से कहिए इस पर बात करें। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर मुद्दे पर एक मिनट भी बात नहीं कर रहे हैं। इधर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा में केंद्र की निष्क्रियता और चुप्पी आपराधिक है। इस बीच मणिपुर में इंटरनेट पर बैन 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।